बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अंडू, रीडू और रिपीट कमांड को डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या फंक्शनैलिटीज है। अंडू कमांड उस वक्त एक्टिव होती है जब हम कोई डू करें, यानी हम जब कुछ करेंगे तो फिर हम इसका बनेंगे कि हम उसको अनडू कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके जाता हूँ और अब मुझे ख्याल आया कि मैं ये नहीं करना चाहता था, तो मेरे पास एक बहुत इजी कमांड है अंडू की, कंट्रोल जेड कीबोर्ड से ही होगा और यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से आपको अंडू की कमांड मिलेगी जिससे आप वन स्टेप बैकवर्ड मूव कर जाएंगे, यानी एक स्टेप हम पीछे चले जाएंगे। आप पॉज करें कि मैंने इसको रिसाइज किया, मैं नहीं करना चाहता था अंडू। तो ये है स्टूडेंट्स अंडू की कमांड। अब इसमें जितने स्टेप्स आप बैकवर्ड जाना चाह रहे हैं, एक दफा क्लिक करेंगे तो एक स्टेप आप बैकवर्ड चले जाएंगे, राइट। और जब आप दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो दो स्टेप बैकवर्ड चले जाएंगे। अब अगर आपने काफी सारे स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं और किसी खास स्टेप पर जाना चाह रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को आप जो है बैकवर्ड करना चाह रहे हैं, अंडू करना चाह रहे हैं, तो आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे वो एक्शंस हैं जिस जो मैंने परफॉर्म किए थे और फिर मैंने इसको अंडू कर दिया। अब इसी तरह जो रीडू है वो भी इसी तरह एक्शन परफॉर्म करेगा कि जो हमने अंडू किया है उसको अंडू कर दिया जाएगा, यानी उसको रीडू कर दिया जाएगा, उसको रीडू बोलते हैं। और ये इस तरह हमने काफी सारे स्टेप्स जो है इकट्ठे अंडू और रीडू कर लिए। तो स्टूडेंट्स, अंडू और रीडू जो है वो आप विंडोज मेन्यू से भी कर सकते हैं, विंडोज मेन्यू और डॉकर्स, और यहाँ अंडू का डॉकर आपको मिलेगा जो कि राइट साइड पे आ जाएगा। अब जितने स्टेप, ये देखिए मैंने जो जो स्टेप जो है जिस पे क्लिक करता जा रहा हूँ वो बता रहा है कि इस स्टेप में क्या परफॉर्म हुआ है, और अगर आप उसको अंडू करना चाह रहे हैं तो आप उसको अंडू कर सकते हैं यहाँ से भी। तो स्टूडेंट्स, ये था अंडू और रीडू। अब इसमें हमारे पास एक रिपीट कमांड जो है वो है, उसको हम अगर परफॉर्म कर लेते हैं रिपीट कमांड को। रिपीट एक्चुअल में कि जो आपने काम किया होगा उसको रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं इस तरफ, अब इसी स्टेप को एक दफा और रिपीट करना है तो आप एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको रिपीट मूव की ऑप्शन मिलेगी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो उसी एंगल पे, उसी डिस्टेंस पे मूव कर जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका साइज कम कर दिया, अब इसी तरह रिपीट स्ट्रेच करेंगे तो वो और कम होता जाएगा। अगर मैं ज्यादा करता हूँ तो रिपीट स्ट्रेच करेंगे तो वो और ज्यादा होता जाएगा। तो ये था स्टूडेंट कॉन्सेप्ट अंडू, रीडू और रिपीट।